नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर और आसानी से बनने वाले फ्लावर पॉट को बनाने वाले हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी आप घर पर आसानी से टैपिंग टूल कैसे बना सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा जार नहीं है तो आप किस किस चीज़ों के ऊपर इसको बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है ऐसा कोई भी खाली जार, और सबसे पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किस किस चीज़ों के ऊपर इसको बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी ग्लास ले सकते हैं, या फिर मिट्टी से बना कोई पॉट भी आप ले सकते हैं, ये उसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है रेड कलर, और रेड कलर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको डार्क कलर करना है। अब यहाँ पर टैपिंग टूल बनाने के लिए मैंने स्पंज का टुकड़ा लिया है। आप इसी तरह से कोई भी स्पंज का टुकड़ा लें और उसको इस तरह से जो हमारे कपड़े वाले पिन होते हैं उसमें लगाएं, और बहुत ही आसानी से इस तरह से आप टैपिंग टूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास टैपिंग टूल नहीं था तो मैंने ये पूछा कि इसको मैं घर पर ही बना लेती हूँ, क्योंकि काम करते हुए कई बार मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा कलर लग जाता है, तो उसके लिए मुझे ये अच्छा लगा और इससे काम करना बहुत ही आसान भी हो गया। एक चीज़ का फ्रेंड्स आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी प्लास्टिक के ऊपर या फिर ग्लास के ऊपर कुछ इस तरह से बना रहे हैं तो आपको हमेशा अपने कलर की डबल कोट करनी है। यहाँ पर जो कोन मैंने बनाया है वो मैंने मार्बल डस्ट पाउडर के साथ बनाया है, लेकिन कोन आप और भी 5 तरह से बना सकते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप वो कोन भी बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको कोन चलाना नहीं आता है तो मैं आपके लिए छोटे छोटे से कुछ टिप्स बता देती हूँ, जिनसे कि कोन के साथ काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि जब भी आप कोन के साथ काम कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कोन का पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है आपको सेम टेम्परेचर के ऊपर काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप पंखे के नीचे काम कर रहे हैं तो आपको वो ही वहीं पे ही काम करना है, या फिर अगर एसी रूम में आप काम कर रहे हैं तो आपको पूरा आर्ट पीस वहीं बैठकर बनाना है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप काम कर रहे हैं आप काम बहुत धीरे करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आपका जो कोन है उसको बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, अगर आप उसको खींचेंगे तो बीच में से क्रैक हो जाएगा या फिर कहीं से मोटा और पतला हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर जो मैंने कोन बनाया है फ्रेंड्स, वो मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है। वो मैंने इसलिए मोटा बनाया है कि जो हमारा काम है वो क्ले की तरह लगे, जैसे कि हमने क्ले के साथ काम किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा 3D लुक ज़्यादा चाहिए अपने काम में, क्योंकि मुझे इसके ऊपर गोल्डन कलर भी लेना है। और अगर मैं इसको काम को थोड़ा पतला करूँगी तो वो जो कलर मैं यूज़ करूँगी वो अच्छे से हाईलाइट नहीं होगा और इतना सुंदर नहीं लगेगा। तो अगर आप इस तरह का कोई आर्ट पीस बना रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोन को थोड़ा सा मोटा बनाएं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो मेरा कोन वाला काम है उसको अच्छे से सूखने दिया है, और सूखने के बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर लिया है, जिसको कि मैंने इस तरह से बहुत अच्छे से उसके ऊपर लगा दिया है। अगर आप इस तरह का कोई भी आर्ट पीस बनाते हैं जो काफ़ी लाइट वेट होता है, तो उसको आपको जैसे उसके अंदर आप फ्लावर्स डालेंगे वो गिरे नहीं, उसके लिए आप उसके अंदर मार्बल स्टोन डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी जैसे हमारे पास अगर वॉल पुट्टी भी है तो वॉल पुट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करें और उसके अंदर डाल दें, जिससे कि वो वेट में थोड़ा हैवी हो जाएगा और जो आपका जो फ्लावर पॉट है वो गिरेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आगे भी ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।